सुकमा जिले में नक्सलियों की तलाश में निकले जवानों के हाथ लाखों रुपए के गांजे की खेप लग गई है। जवानों ने नेशनल हाईवे 30 पर स्थित एक पुल के नीचे रखे 24 लाख कीमत का 200 किलो गांजा अलग अलग पैकेट में पैक कर पुल के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। छिंदगढ़ पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर नवापारा गांव के पास एक बोरवेल वाहन की चपेट में आकर मोटर मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। महासमुंद में एक बार फिर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। खूंखार तेंदुए ने बकरियों पर हमला कर दिया है। खलिहान में बंधे 5 बकरियों को तेंदुए ने मार डाला। वन विभाग ने आसपास के गांव कोटनी पानी, मनबाय, टोंगो पानी सहित अन्य गांव में मुनादी कराई है। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने इमलीपारा क्षेत्र से 70 किलो गांजा जब्त किया है। जिस गाड़ी में गांजा जब्त किया गया है वह हाईकोर्ट के किसी अधिवक्ता का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों आकाश निर्मलकर व जगतराम धूरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी महिला तस्कर अभी भी फरार बताई गई है और उसकी तलाश सघनता से जारी है। जांजगीर जिले के डबरा पारा क्षेत्र में फगुराम पुलिस चौकी इलाके के बोड़ा सागर गांव में ट्रेलर की चपेट में आए साइकिल सवार श्यामलाल बरेट के अस्पताल में मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सरगांव रायपुर नेशनल हाईवे पर बरमबाबा ढाबा के पास बीती रात अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरे सवार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीनों युवक बाइक में सवार होकर एक अन्य एक्सीडेंट को देखने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उरला पुलिस ने थाना क्षेत्र में रोड किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे रामकरण कोविड उत्तर प्रदेश निवासी को पकड़कर उसके पास रखे 3 बैग से 2,90,000 कीमत का 29 किलो गांजा बरामद किया है। रायपुर के टिकरा पारा थाना क्षेत्र में संतोषी नगर में गुरुवार की रात डूडा निवासी अमान खान की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों महेंद्र बाग व गोविंद जोशी को गिरफ्तार कर आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर लिया है। रायगढ़ की छाल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खरसिया की ओर से बिना नंबर पिकअप वाहनों में कृषक मवेशियों को ठूस ठूस कर बेरहमी पूर्वक भरकर लालछेरा घर घोड़ा के रास्ते लैलुंगा से होते झारखंड बुजड़ घाने ले जाते 2 पिकअप वाहन को रोककर 20 मवेशी को बरामद कर 3 आरोपियों राजू कुमार टंडन, चंद्रशेखर नारंगे व दीपक टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित हर्ष मिनरल्स कटंगपाली के ऑफिस में घुसकर क्रशर के मुंशी को धमकी चमकी देकर मोबाइल व नकदी रकम लूटकर भागने वाले ओडिशा निवासी दिनेश राव, चंद्रमणि चांद उर्फ सुनील व रोहित नायक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से नगद 1400 रुपए, 2 देशी पिस्टल, 2 मैगजीन तथा 5 जिंदा कारतूस, 1 नग खाली खोखा, 1 नग लोहे का कट्टा, 1 चाकू, यामाहा मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल जब्त किया है। बिलासपुर में लेन देन के मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से दयालबंद में रहने वाला किसान महेंद्र कश्यप मिट्टी दिल लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। वो कुछ कर पाता इससे पहले एसपी ऑफिस में तैनात जवानों ने उसे पकड़ लिया। इसकी जानकारी होने के बाद सिविल लाइन सीएसपी और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचकर किसान को समझाइश दिया। महासमुंद जिले के उड़ीसा सीमा से लगे सरायपाली में एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने आरोपी विजय राजपूत को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 1 करोड़
42 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में मोपका बाईपास रोड में प्रार्थी से गाली गलौज करते हुए धारदार चाकू से हमला कर वीवो Y20G को लूट कर ले जाने वाले एक आरोपी को कोटा पुलिस ने मोबाइल बेचते गिरफ्तार किया है। रायपुर के बरन बाजार स्थित JN पांडे स्कूल में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। इस बीच रायपुर महापौर एजाज ढेबर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची। जशपुर जिले के सकरडेगा और आरा के मध्य शुक्रवार की दोपहर शादी समारोह से लौट रही एक तेज रफ्तार सवारी ऑटो नियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। अंबिकापुर में कैनविस कंपनी का 40 लाख रुपए गबन करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उमाकांत यादव कंपनी में ही बतौर कर्मचारी काम किया करता था। कंपनी की राशि उसने अपने बैंक खातों में जमा कर रखी थी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4,000 रुपए देने में असमर्थता जताने पर डॉक्टर ने 2,000 रुपए मांगे। इसमें भी असमर्थता जताने पर डॉक्टर ने मरीज को OT से बाहर ही कर दिया। मरीज की पुत्री की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की बात कही है। कोरबा जिले के गेवरा रोड स्टेशन में कोयला लोडिंग करने साइंडिंग में पटरी बदलते हुए खाली मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतर गए। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंची और लगभग 4 घंटे तक चले कार्य के बाद वैगन को पटरी पर लाए। इसके बाद साइंडिंग में कोयला लदान शुरू हुआ। गुरुवार को सुबह रायगढ़ कलेक्टर बंगला परिसर के पीछे टॉयलेट में फांसी लगाने के मामले में पुलिस ने मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। पैसे की लेन देन को लेकर मृतक से मारपीट की गई थी, जिससे परेशान होकर भागकर फांसी लगा लिया था। कवर्धा जिले के दशरंगपुर चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात ये रही कि पकड़े जाने पर आरोपी उल्टा पीड़िता के परिजन को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कवर्धा जिले में तालाब खुदाई के दौरान जमकर बवाल हो गया। ग्रामीण JCB से खुदाई के चलते नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने बीट गार्ड को बंधक बना लिया। इसके अलावा JCB को भी जब्त कर लिया था। राजनांदगांव पुलिस की डायल 112 के आरक्षक से गाली गलौज करने वाले 3 बदमाशों को गंडई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाश राजनांदगांव ब्लॉक के सोमनी थाना से लगे टेढ़सरा के हैं, जो नवापारा गंडई आए थे। यहां बस्ती के युवाओं के साथ विवाद के बाद पुलिस की डायल 112 को फोन किया था। बीजापुर में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली जंगल में IED प्लांट कर रहे थे। इसी बीच अचानक फोर्स पहुंच गई, जिन्हें देख ग्रामीण वेशभूषा पहने 5 नक्सली बरसाती नाला को पार कर भाग निकले। हालांकि BDS ने IED बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। अधिक ब्याज देने का लालच देकर निवेशकों से रुपए लेकर फरार होने वाले प्रतिष्ठा इन्फ्रॉन्ट इंडिया लिमिटेड चिट फंड कंपनी के फरार डायरेक्टर सुभायन बैनर्जी को जांजगीर जिले की पेंड्री पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने NTC मोबाइल टावर से लोहे के एंगल चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी किए गए 1.5 क्विंटल तार और एंगल बरामद किए गए हैं।
ये आरोपी सुबह रेकी कर रात में चोरी किया करते थे। कार में गांजे की तस्करी करने वाले आरोपियों को सिमगा पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से कार सहित 2,56,000 कीमत का 32 किलो गांजा बरामद किया है। तस्करों ने कार की पिछली सीट में विशेष तौर पर मॉडिफिकेशन कर एक गोपनीय चेंबर बनाया हुआ था। बीजापुर जिले की पुलिस ने नक्सलियों के सप्लाई चेन सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के सहयोगी के पास से नक्सलवर्दी टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर समेत भारी मात्रा में अन्य विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत परिया व गरगढ़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस जवानों ने 2,00,000 के इनामी मलांगीर एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 24 के सदस्य कवासी हुंगा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर एक नग IED, 8 किलोग्राम एक मेन पैक सेट, 10 नग डेटोनेटर, 4 जिलेटिन, नक्सल साहित्य व अन्य दैनिक उपयोगी की सामग्रियों को बरामद किया है। असामाजिक कृत्यों से गांव का माहौल खराब करने वाले 7 लोगों को मंदिर हसौद पुलिस ने पकड़कर अनुविभागीय दंडाधिकारी आरंग के समक्ष पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नक्सली छद्मनाम बताकर और छिपकर अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। उन्होंने इसे लेकर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के संचालकों से अपील की है कि अगर संदिग्ध व्यक्ति उनके हॉस्पिटल में इलाज कराने आए तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। आबकारी विभाग के अधिकारियों के सामने नियम कायदों को दरकिनार करते हुए सरकारी शराब की दुकानें रात 10 बजे के बाद तक खोली जा रही है। नंदिनी रोड की शराब दुकान रात 10:40 तक खुली रही, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामले में पुलिस विभाग ने आबकारी के अधिकार क्षेत्र का मामला होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है।